आपके तमाम देखने वाले व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियो देखता है और स्क्रीनशॉट लाता है सब्सक्राइब करने के बाद ना, और या तो हमारे पास खड़े होकर सब्सक्राइब करें और हमें स्क्रीनशॉट निकालते हैं शेयर करने के साथ साथ, तो उनको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। स्पेसिफिक एक भी नहीं, तमाम कॉन्टैक्ट्स पे उनको ऑफर करेंगे एक अच्छा डिस्काउंट, और कस्टमर जाएंगे डील भी ऑफर करेंगे और तमाम फ्लेवर्स पे 50 रुपीज ऑफ डिस्काउंट करेंगे। और कोई डीसी मंगाता है हुसैनाबाद ब्रांच से, ये भी ऑफर करता हूँ, हुसैनाबाद ब्रांच से कोई लालू के लियाकताबाद नाजमाबाद बफर जोन के एरिया में कोई डिलीवरी मंगवाता है तो डीसी चार्जेस बिल्कुल नहीं लेंगे, सिर्फ आपकी वीडियो का रेफरेंस है। अस्सलाम वालेकुम फूडीज, ना चीनी ना जापानी, मैं हूँ आपका होस्ट मुईज अब्दानी, लेके आया हूँ एक नया व्लॉग। और आज मेरे को चलते चलते एक नई यूनिक चीज हाथ से चढ़ गई जो है थाईलैंड की डिश, और अगर इसको आप यूं कह लो ना कि दुनिया की सबसे पहली गर्म कुल्फी, तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो भाई ये वीडियो में बने रहिएगा और आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या एंटिक चीज है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं कहानी क्या है। अच्छा भाई, यहाँ पे जो इस कार्ड के जो ऑनर है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, आपको बता देंगे उनके दिमाग में कैसे ख्याल आया और ये क्या डिश है और क्या क्या आइटम है इसमें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई, क्या नाम सर? दानियाल हुसैन। दानियाल हुसैन साहब, ये बताएं कि कौन सी डिश है और ये क्या क्या चीज है? वैसे उसका वर्ल्ड वाइड नाम जो है कॉर्न डॉग है। अच्छा। और लोग इसको दुनिया की पहली गर्म कुल्फी भी बोलते हैं। अच्छा। पाकिस्तान में इसको पहली बार लॉन्च किया हमने। अच्छा, तो अच्छा इसमें क्या फ्लेवर क्या क्या होते हैं, क्या चीज बनती है, स्टिक में बनती है? क्या स्टिक में बनता है और इसके 8 मुख्तलिफ फ्लेवर है हमारे पास पाकिस्तान में, पहली बार 8 फ्लेवर हमने लॉन्च किए हैं, जिसमें बारबेक्यू बोटी फ्लेवर होता है, चिकन सॉसेज होता है, फुल चीज होता है, जो चीज लवर है डबल चीज में भी होता है हमारे पास। अच्छा यार, ये एक चीज मैं कंफर्म कर लूं कि यहाँ पे पहले कोई आंटी खड़ी होती थी? जी बिल्कुल, अगर आप लोग ने देखा होगा एक आंटी खातून खड़ी होती थी, तो हमारी 3 ब्रांचेस हुई है। वो जो खातून है साबराबाजी, वो मेरी सास है, मेरी मदर इन लॉ, तो कराची में 3 ब्रांचेस है हमारी, पहले गुलिस्तान जौहर हुसैनाबाद स्कीम 33, 2 आने वाली ब्रांचेस हमारी। माशाल्लाह। अच्छा, तो ये बताएं कि आपके जो ये आइटम्स हैं, अब इतने सारे अब सब तो ट्राई नहीं कर सकते, सबसे ज्यादा जो होता है ना स्पेशल है ये इसमें सारे फ्लेवर मिल जाएंगे? सारे फ्लेवर इसमें हमारे मोस्ट ट्रेंडिंग है, जो साबराबाजी बार बार वीडियोस में बनाती है वो फ्लेवर आपको टेस्ट करवाएंगे। कौन सा वाला स्पेशल? मोस्ट स्पेशल फ्लेवर इसमें डबल चैटर चीज होती है, पास्ता में चिप्स होती है, चिकन सॉसेजेस होते हैं और मोजरेला चीज होती है। ये स्पेशल कॉर्न पॉप? स्पेशल कॉर्न पॉप। अच्छा, तो इसमें इसमें क्या आपने बताया क्या क्या होगा? इसमें चिकन सॉसेजेस होते हैं, पास्ता में चिप्स, चिकन स्लाइस होते हैं, चैटर चीज और मोजरेला, फिर बैटर, फिर आपकी पसंदीदा कोटिंग। और कोटिंग में भी 3 इकसाम है हमारे पास, जिसमें ब्रेड क्रम की होती है, फिर क्रिस्पी होती है, फिर पोटैटो होती है। पांडा वगैरह पे कोई सीन है? फूड पांडा भी नहीं है, अभी हम लोग अपना डिलीवरी कर रहे हैं। इस वीडियो के लिंक में आपको नंबर मिल जाएगा, इस लिंक पे हमसे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर 03030800024 हमारा नंबर है। 3 ब्रांचेज है कराची में, पूरे कराची में ऑल राउंड डिलीवरी करते हैं, अदरवाइज आप बाइक के थ्रू भी हमसे मंगवा सकते हैं। बेहतरीन हो गया। अच्छा, एक आखिरी बात ये बता दे, अपनी जबानी एड्रेस बता दे यहाँ का, ताकि जो कस्टमर है वो आराम से आप तक। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम लोग खड़े हैं हुसैनाबाद में, हुसैनाबाद मेन फूड स्ट्रीट है, दिल्ली मलिक रेस्टोरेंट के सामने, एड फार्मेसी के सामने और मैदान बैंक के बराबर में। अगर आपको नहीं मिलता तो इसके बाद आप गूगल मैप के ऊपर स्नैक्स स्टूडेंट हुसैनाबाद लिखेंगे तो हमारी हुसैनाबाद की ब्रांच पूरे पाकिस्तान से आपको घुमा के यहाँ पे ले आएगी। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। व्यूअर्स देखें, डिस्काउंट भी मिल रहा है और उसके साथ साथ आपको डीसी भी फ्री मिल रही है हुसैनाबाद के लिए। तो यार बेफिक्र हो जाओ और ये जायका ट्राई करो, नई डिश है, नई चीज है, ट्राई करके पता चलेगा, ऐसे तो पता चलेगा नहीं। तो वीडियो में बने रहिए, आगे आपको और चीजें दिखाते हैं, मेकिंग भी दिखाते हैं। अच्छा भाई, फ्राई हो गया, अभी जा रहे हैं टॉपिंग होने के लिए। अब क्या डलेगा इसमें दानियाल भाई? इसमें ये डल रहा है फ्लेवर पाउडर। फ्लेवर कौन सा है ये? चिकन चीज फ्लेवर। चिकन चीज फ्लेवर। ये केचप आ भाई, गार्लिक, स्पाइसी सॉस, स्पाइसी सॉस, और ये मायो, मायो गार्लिक, मायो गार्लिक। जबरदस्त हो गया, टॉपिंग बड़ी जबरदस्त हो गई। अच्छा भाई देखें, ये रेडी होके आ गया है, माशाल्लाह इसका जो टॉपिंग वगैरह की है उसके बाद ये
ये देखिए कितना मजेदार लग रहा है। अब इसको ट्राई करके देखेंगे कि वाकई में खाने में भी मजेदार है या नहीं है। रिव्यू शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, क्योंकि उस पर आपको बिहाइंड द सीन्स मिलेंगे। तो आप इंस्टाग्राम मेरा फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिए। पहले अब स्टार्ट करता हूँ, बिस्मिल्लाह करता हूँ। दोस्तों जायका तो मजेदार है, फुल चीज़ी हो रहा है। इसके अलावा ये देखें जो इनकी सॉसेज है, ये होममेड सॉसेज है। सॉसेज भी बड़ी मज़ेदार लग रही है, मतलब स्पाइसी भी है सॉसेज के बाद। बाकी सॉसेज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डलवाना चाहें तो डलवाएं, नहीं डलवाना चाहते तो ना डलवाएं। बाकी सॉसेज के बाद थोड़ा स्पाइसी हो रहा है, थोड़ा मायो का फ्लेवर आ रहा है, फुल चीज़ी हो रहा है। और जो इसका क्रंचीपन है ना, जो इसके ब्रेड क्रम्ब लगे हैं और जो इसके नूडल्स लगे हैं, उससे थोड़ा क्रंची क्रंची लग रहा है खाने में। तो एक नई चीज़ है कि अगर देखें हम बर्गर और ये बन कबाब रोल वगैरह तो ट्राई करते रहते हैं, ये थाईलैंड का आइटम है, नई चीज़ है और ये खाने में भी मज़ेदार है, तो ये भी ज़रूर आके ट्राई करें, सही है। और इसके अलावा कहने का मकसद ये है कि जो नया आइटम होता है, जो हिडन जेम्स होते हैं ना, मेरी कोशिश होती है वो मैं आप लोगों तक पहुँचूँ। ये है कि अगर आप मेरी वीडियो बनाने से अगर मैं किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता हूं तो अल्लाह ताला मेरे काम में बरकत डालेंगे, तो मुझे भी फ़ायदा पहुंचेगा। आप वीडियो को करते हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करके अगर उनको स्क्रीन शॉट दिखाएंगे आप, तो आपको मैंने तस्दीक भी करवा दी है कि आपको डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि डिस्काउंट हमें नहीं मिल रहा, आप गलत बोल रहे हैं। तो भाई देखें, मैं ऑनर से तभी तस्दीक करवाता हूँ कि जो बंदा है वो डायरेक्ट खुद आपको बोल रहा है कि जब डिस्काउंट मिलेगा तो उसका मतलब डिस्काउंट मिलेगा, तो वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो वीडियो को करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।